तो हेलो गेमर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग फिर से माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग घर को और ऊपर करेंगे, तो मैंने वो काम कर दिया है। और इन 3, 2, 1 वापस से, तो मैंने इसको 3 फ्लोर किया है, क्योंकि अगर वो तो मैं आपको एक बार अंदर का व्यू दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि रात को तो अगर कोई जॉम्बीज वगैरह या कोई रेडर वगैरह अटैक करें तो हम लोग डबल फ्लोर पे चढ़ के अटैक वो लोग पे आराम से कर सकते हैं। तो ये है मेरा सेकंड रूम, तो यहाँ से मैंने ये लैडर लगाया है। ये हमारा 3rd फ्लोर है, फिर अगर हम लोग इसके ऊपर जाएँ, चलो। तो ये मेरा और फ्लोर है, इसके ऊपर भी हम लोग कैंडल लगाएँगे, यानी टॉर्च लगाएँगे। मैं बार बार इसको कैंडल बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। हम लोग फटाफट से कैंडल्स वगैरह टॉर्चेस बना लेते हैं। हाँ, तो कैंडल बोलने की आदत हो गई है मुझे, क्योंकि कैंडल है ना, ऑब्वियसली कैंडल है, बस इसका गेम में नाम टॉर्च रखा गया है। तो मैं आपको सबसे ऊपर वाला फ्लोर दिखाऊँ, तो ये है मेरा सबसे ऊपर वाला फ्लोर। अब हम लोगों को बो वगैरह मिली तो हम लोग यहाँ से सीधा हम लोग यहाँ से मार सकते हैं। अब मुझे बात, अब मेरा ये है कि मुझे वो फेंस लगाना है, और फेंस लगाने के लिए काम करना है। तो हम लोग फटाफट से हम लोग का फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं और इस डेंगू को लेकर चलते हैं अपने केव में। तो फूड तो हो गया मेरे पास, और मेरे पास फूड है, कुक चिकन है। तो अब गाइस, जो कि मैंने चीटिंग किया, आई मीन मैंने क्रिएटिव में अपना घर बनाया, तो उसके लिए हम लोग अपने कुछ सामान फेंक देंगे जाके, हम लोग उस चीज़ को सॉरी बोल के हम लोग फेंक देंगे। तो हम लोग जाते हैं, यहीं फेंक दूंगा। तो पहले मेरा क्वार्ट्ज स्लैब जाएगा, फिर वीट जाएगा, फिर पिकैक्स जाएगा, फिर स्वॉर्ड, फिर शवल, पिकैक्स जा, पिकैक्स नहीं जा रहा है, लैडर फेंक देते हैं। कुक चिकन का काम है। टॉर्चेस फेंक देते हैं, एंडेसाइड फेंक देते हैं, पिकैक्स जा, ओके पिकैक्स भी गई। हम लोग एक स्टैक कॉबल स्टोन फेंक देते हैं, भी फेंक दिया। अब कोई मुझे चीटर मत बोलना गाइस चैट में, इसके कुछ नहीं। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से माइनिंग, क्योंकि अब मैंने अपना वो तोड़ दिया सारा सामान, तो हम लोग को वापस घर जाना पड़ेगा, और घर से हम लोगों को वो चलाना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग वो बना लेते हैं, एक शवल, एक पिकैक्स, एक एक्स ले लेते हैं। और ये मैंने 8 एक्स बना लिया, तो मैंने क्या किया यार। हाँ, मैंने ज़्यादा एक्स यूज़ कर लिया, और मुझे स्टिक्स लाने पड़ेंगे। मेरे पास है ना वो प्लैंक्स, नहीं है वो भी, अब मुझे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। मैं चले जाओ, तो ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, मेरे डॉगीज बाहर खड़े हैं, बंद होता। ये मेरा ना प्रेशर पेशर कभी कभी काम नहीं करता, रोना नहीं बंद करता, जो हम लोग के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। तो हम लोग उठ चुके हैं वापस से, अब हम लोगों को इसको फेंस बना लेना है, वेपन लाइन से। चलो फूड सोर्स भी, चलो एक ये कर लेते हैं ना, और एक चिकन खा लेते हैं। पेट है ये स्प्रिंग, इसको लेके चलते हैं। हाँ, मैं एक बार फिर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डॉगी है ना। अब तो हमारे पास सारा सामान भी है, हमारा ये केव गई है क्या यहाँ पे? हाँ केव गई है, चलो हम लोग यहाँ जा रहे थे। तो वगैरह आई मीन और वगैरह हुआ तो ले लेंगे, और वगैरह कहीं है
बहुत मिल रहे, लेकिन कोल से कुछ कुछ कोल्स होते जो एक्सपी देते हैं, कुछ कुछ कोल्स होते जो एक्सपी नहीं देते। तो मेरा प्लान ये है कि हम लोग वापस एक बार एक्सपी फार्म बनाए, आई मीन वापस नहीं, एक एक्सपी फार्म बनाने का मेरा प्लान है। तो उस प्लान को मैं एग्जीक्यूट कैसे करें, उसके लिए हम लोगों को काफ़ी सारा कॉबल स्टोन चाहिए रहेगा। और एक्चुअली दो तीन टाइप के एक्सपी फार्म बन सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले वही बनाएंगे जो एकदम पिलर से रहता है, खड़ा रहता है, और उसमें से ऊपर से जॉम्बीज वगैरह गिरते रहते। तो वो वाला फार्म मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें वो सब नहीं रहेगा ना, मशीन वगैरह चलाने वाला प्रॉब्लम, वरना तो वैसे मशीन वाला प्रॉब्लम रहता है। तो मैं यहाँ कोल और आयरन ओर के लिए आया था, तो मुझे कोल भी मिल गया, आयरन ओर भी मिल गए। तो मैं, मेरा प्लान है अंदर चलने का, और जॉम्बीज कोई मत, यहाँ खाली है, मैं पोकट में डर रहा था, बिक करते जाते अंदर मिले कुछ। और ये ऊपर मेरे आयरन ओर था, सही जगह मैंने टॉर्च लगाया। ओके, हम लोग को आयरन ओर अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। अब हम लोग को बकेट वगैरह डाल के अच्छा फार्म भी बनाना है। स्टार्ट किया था तो मेरा पहला वर्ल्ड था वो डेजर्ट में था, और उस डेजर्ट एरिया में बहुत सारे ये सब थे, एंडेसाइड थे, पॉलिश एंडेसाइड से मैंने अपना घर बनाया था। और जैसे मैंने इस घर में टाइलिंग की है, सेम मैंने उस घर में भी टाइलिंग की थी। लाइट क्यों दिख रहा है मुझे यहाँ से, वो घूम फिर के वहीं आ गई क्या? हाँ, रिंगुलेट्स को क्या, मुझे आयरन ओर दिखा यहाँ पे नहीं, चलो डिग करते जाते हैं। चक्कर कटूंगा, मैंने पागलगिरी यहाँ कर दिया कि मैंने 8 स्टोन एज बनाने हैं। मैं शिफ्ट दबाने का मेरा आदत है, चलो तब हम लोग फटाफट चलते घर पे अब, और घर पे से हम लोग वो कर लेते हैं जितने भी आयरन ओर्स मिले हम लोग को, वो पिघला लेते हैं। हम लोग गए कहाँ से थे, निकले कहाँ से, नहीं हम लोग यहीं से गए थे, मुझे लगा मैं घर के पीछे से निकला। हम लोग फटाफट आयरन ओर तो वो कर लेते हैं, है ना, वरना हो सकता है उसमें आयरन ओर क्या। अब देखो यहाँ शिफ्ट नहीं दबेगा, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पर वाटर है, तो हम यहाँ करते हैं, हो सकता है अगर नहीं मिला कुछ तो कॉबल स्टोन भी मिलेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉबल स्टोन से हम लोग को वो अच्छी फार्म करना है। मेरा पिकेक्स गया, मेरे पास एक्स्ट्रा है अभी नहीं, तो अब यहीं से हम लोग माइनिंग अपनी एंड करते हैं और हम लोग चलते हैं सीधा अपने फार्म में। अब हम लोग अपना फार्म एक्सटेंड करते हैं, अरे कौन है रो रहा है, मुझे वो एरो वाली की आवाज़ आ रही है। हाँ कौन बोल रहा है, बब्बू आवाज है इसकी बहुत अजीब अजीब सी। तो हम लोग का वो बकेट तैयार, आई मीन आयरन और इनगोट्स तैयार हो गएंगे, मेरी एक्सपी भी बढ़ गई। तो हम लोग फटाक से वो बकेट बना लेते हैं। तो मेरे पास शीयर्स आएंगे, शबल आएगी, आयरन स्वॉर्ड आएगी, और आयरन पिकेक्स आएगी। काट बनाओ, लेकिन काट का तो वो नहीं है ना कुछ यूज, अभी नहीं है, अभी हम लोग जब अंदर तक जाएंगे तब। तो हम लोग एक फटाफट एक बकेट बना लेते हैं, अपना फार्म एक्सटेंड करते हैं। तो ज़रा मैं चेक कर लूँ वीडियो कितनी मिनट की हुई। ओके, 13 मिनट की वीडियो है, आई मीन एडिटिंग के टाइम में थोड़े से पार्ट्स निकालूंगा, लेकिन अभी 13 मिनट। तो ये मेरे वीट हो चुके हैं, तो हम लोग फटाफट इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो स्टैक करने के लिए हम लोगों को
नाम और निकल रहा है। तीन स्टैक है मेरे पास, हम लोग फटक से वापस इसको लगा देते हैं। यहाँ तक बीट भी मिला हम लोगों को, प्लस उसको फीस भी आ गया अच्छे से। एक भी ब्लॉक खाली नहीं है, तुमको तो बताते रहना। किसी काम का नहीं है मेरा लॉगी, वैसे है काम का है लेकिन काम नहीं करता, वो तो खाली घूमता रहेगा। बैठ जाती हूँ यहाँ पे शांति से। हाँ कंफ्यूजन में हूँ कि हम लोग यहाँ ये वाले पार्ट में क्या लगाएं, क्या हम लोग बीट रूट को लगा सकते हैं? तो उसको बीट रूट को लगा सकते हैं। चलो जरा हम लोग अपनी मुर्गियों को वो खिला देते हैं बीट फीड। वीट अपने गायों को खिला देता हूँ, लोग आओ वीट खाओ, लो खाओ खाओ। तो मेरा स्प्रिंगो यहीं रहना, कहीं जाना मत। ओके यहाँ से सो जाते हम लोग। तो आज हम लोग करेंगे फिर पूरी फार्मिंग, हमें तो करनी है आज। स्प्रिंगो बैठा है ना वहाँ पे, क्या हम लोग बीटरूट उगा सकते हैं? बीटरूट तो उगा सकते हैं, देखूं। ना ना बीटरूट सीड चाहिए रहते हैं क्या? अरे यार मैं उखाड़ लेता हूँ, गाजर मिल जा। चलो हम लोग फटाफट से गाजर को उखा लो। पहले हम लोग एक और यहाँ पे फार्म बना लेते हैं और उस फेंस से, मतलब ये फेंस लगा लेते हैं और उस फेंस में हम लोग अपने पिक से आके रख देंगे, ठीक है। और पिक लाने के लिए मुझे वीडू के साथ जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मेरा अरे क्रीपर क्रीपर, ये क्या था? क्रीपर मेरे घर में कैसे स्पॉन हो गया? था यार ये, डरा दिया क्रीपर एकदम। तो मेरे पास शील्ड थी, अच्छा है ये। और सारे एंड साइड टाइम है, सारे एंड साइड। और कैरेट ही लगाना पड़ेगा। इसमें ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे फील लग रहे जो हुए ही नहीं है उसमें। अगर आप समझ आ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो नहीं समझ आ रहे हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? क्या वो एक केव है?
यहाँ एक केव है, चलो हम जरा केव को ट्रैवल करके आते हैं। चल भाई स्प्रिंगू क्या लगा लेते हैं, कुछ नहीं, चलो हम लोग अब टॉर्चेस बना लेते हैं। क्या मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास कोल नहीं है, तो कोल ले जाते हैं, कोल ले लेते हैं। सारे कोल हैं कहाँ, ब्लास्ट पड़ने मेरा डॉगी लेके आया था ना, मैं बना लेते ना कपट से लाइब्रेरी। चलो अपने पास 30 ये है, चलो जल्दी रही है वैसे। अरे यार मैं क्यों बार बार भूल जाता हूँ, पिकैक्स भी तो बनानी है, दो बना लेते हैं इस बार ना। ओ अभी मैंने वापस गलती कर देता, मैं वापस गलती करता, मैंने शुरू से बाकी ये बता दबा दिया। इस एक्स के साथ मैंने गलती कर ही दिया है, पिकैक्स के साथ नहीं करना चाहता। आजा घूमता रहता है खाली दिन भर, कुछ काम ना धंधा। चलो अंदर चलते हैं, क्या खरीद नहीं है लेकिन जो कुछ ही कोल्स में ये देते हैं, पूरी कोल्स को प्रोवाइड करना चाहिए। क्या हम लोग लड़ ले लोग से, आजा आजा बेटा। ट्रिपू तू भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा फ्लफी, और तू भी खड़ा हो जा। अब सब देखो मेरे सारे डॉग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, देखो तुम। यार क्या खाओगे तुम, मेरे पास सामान नहीं है खाने के लिए, तुम लोग रॉटन प्लेस खा लोगे, चलेगा तुम लोग को। यार मैं खाली एक कोई को दे सकता हूँ, मेरा ना स्प्रिंगो बहुत ज़्यादा डैमेज है। स्प्रिंगो का ही मेरा
करना पाओ तुम लोग मेरे डॉगी के सामने अगर दो लोग जीत गए ना वो लोग को मैं 2000 रुपये दूंगा। क्या मैंने मेरी वॉर्ड पे थी राजा आज बोन वाला का है बोन वाला कौन से रंग हम लोग बाहर ओ हो इतना आवाज तो मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। होप सो कि आपको मजा आया होगा मेरे डॉगीज के साथ फाइट देखने में। तो गाइस मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय एंड टेक केयर। Thanks for watching.